हेलो फ्रेंड्स, जैका विद अंकिता में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा वेज बर्गर। ये खाने में बहुत यमी होता है और क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना यमी दिख रहा है, तो चलिए बनाते हैं। हमने मोजरीला चीज़ लिया है, एक प्याज को बारीक काट लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती लेंगे, मैंने फ्रोजन वाले स्वीट कॉर्न लिए हैं, एक छोटा कैप्सिकम को बारीक काट लिया है, एक छोटा टमाटर को बारीक काट लिया है, ओरिगेनो लेंगे और चिली फ्लेक्स लेंगे। मैंने 2 चम्मच टमाटर सॉस लिया है, इसमें आधा छोटा चम्मच ओरिगेनो डालेंगे, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाया है। हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनकर के तैयार हो चुका है। हमने एक बर्गर बन लिया है, इसे बीच में से काट लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे काट लिया है। अब हम इसके एक साइड में पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। हमारा पिज़्ज़ा सॉस रख करके रेडी हो चुका है। हमने एक बाउल लिया है, अब हम इसमें सारे वेजीज ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, चीज़ में नमक होता है तो आप ध्यान से ऐड करिएगा। थोड़ा सा ओरिगेनो डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। हमने जिस साइड बन के पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया था उसके ऊपर हम अपना मिक्सर रखेंगे। अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। हम बर्गर के अपोजिट साइड में बटर लगाएंगे। इसके ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे। हम एक पैन लेंगे, उसे ग्रीस कर लेंगे बटर से। अब हम इसमें अपना बर्गर रखेंगे। बर्गर के ऊपर में थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ रखेंगे। थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे जिससे भाप बनेगा और हमारा चीज़ जल्दी मेल्ट होगा। अब हम इसे ढक देंगे। हम इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा चीज़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। हमारा वेज पिज़्ज़ा बर्गर बनकर के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हम ओरिगैनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। हमारा वेज पिज़्ज़ा बर्गर बनकर के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।